नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन हुई सतर्क। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, इसको लेकर मोतिहारी जिला प्रशासन शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। जिला प्रशासन चेकिंग के लिए 51 लोगों पर चेक पोस्ट के अलावा सभी थानों के सामने चेक पॉइंट बना दी गई है। इसके साथ ही सभी चेक पोस्ट पर हार्ड कैश ले जा रहे गाड़ियों की जांच कर जरूरी कदम उठाए जाने की बात भी कही गई है। एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया है कि विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने को लेकर अब तक 8500 लोगों पर निरोधात्मक कदम उठाए जा चुके हैं। वहीं 81 बदमाशों पर CCA लगाए गए हैं। 189 बदमाशों पर CCA लगाने के लिए चिन्हित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में 70% लाइसेंसी आर्मी का सत्यापन किया जा चुका है, वहीं 42% लाइसेंस स्थगित किए जा चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एम्स की फोरेंसिक टीम ने जमा की अपनी रिपोर्ट। सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI की जांच रिपोर्ट मिल चुकी है। मीडिया हाउस की एक रिपोर्ट के अनुसार एम्स की फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट CBI को सौंप दी है। अब CBI उस रिपोर्ट का विश्लेषण कर रही है और उसके बाद ही CBI किसी नतीजे पर पहुंचेगी। सोमवार को CBI ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दे दी और बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत के गुजर जाने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो पेशेवर जांच कर रहा है और सभी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और अभी तक किसी भी पहलू से इनकार नहीं किया गया है। मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को एक विस्तृत बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें एम्स की फॉरेंसिक टीम ने CBI को अपने निर्णायक निष्कर्ष रिपोर्ट सौंप दी है। चिराग पासवान ने भाजपा को दिया एक दिन का वक्त। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख ऐलान के बाद अब चुनावी मैदान में उतरने के लिए प्रत्याशियों के पास बहुत कम समय बच गया है। सियासी दल अब उम्मीदवारों के नाम को फाइनल कर जल्द से जल्द उन्हें इलाके पर फोकस करने के लिए भेजना चाहते हैं। चुनाव प्रचार के लिए उम्मीदवारों को वक्त मिले, इसे ध्यान में रखते हुए ऐसी खबरें भी आ रही है कि भाजपा और जदयू 30 सितंबर को सीटों का ऐलान कर सकते हैं। राजनीतिक गलियारे से आई खबर के अनुसार भाजपा और जदयू के बीच सीट के बंटवारे को लेकर बात बन चुकी है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लोजपा ने अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है। ऐसे में भाजपा ने चिराग पासवान को एक दिन का समय दिया है ताकि चिराग पासवान अपना फैसला बता सके। आपको बता दें, चिराग पासवान 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का विचार विमर्श कर रहे हैं। बिहार में बगीचे के बीच मसालों की खेती के लिए मिलेगा 50% अनुदान। बिहार के बगीचों के मसालों की खेती की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार बगीचों में मसालों के साथ कुछ ऐसी फसलों की खेती भी होगी जिन्हें धूप की बहुत जरूरत नहीं होती है। बगीचों में पेड़ लगाने के बाद खाली बची जमीन के उपयोग के लिए सरकार एक नया फंडा अपनाने जा रही है। इन बगीचों में ओल, अदरक और हल्दी की खेती को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए सालाना फसलों की खेती में भी समय कृषि योजना पर जोर दिया जा रहा है। नई योजना से प्रयास की एक कड़ी में कृषि विभाग ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। योजना के तहत बगीचे में मसाले की खेती करने वाले किसानों को तकनीकी सहायता तो सरकार देगी, बीज और खाद की कीमत का आधा पैसा भी सरकार देगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। सीट बंटवारे को लेकर JP नड्डा ने चिराग पासवान से की मुलाकात। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे से पहले NDA में रस्साकसी का माहौल देखने को मिल रहा है। गठबंधन में शामिल दल अपने अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीट मांगने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि अभी तक बंटवारा तय नहीं हो पाया है। सोमवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की थी। सीट के बारे में कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। वहीं आज भी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोजपा प्रमुख से मुलाकात की है। हालांकि दोनों ही दलों द्वारा इस मुलाकात को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सीटों को लेकर दोनों दलों के बीच बातचीत को लेकर किसी ने कोई बयान नहीं दिया है। गौर करने की बात यह है कि NDA के घटक दल भाजपा की तरफ से लगातार कई दिनों से जदयू के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। जदयू की तरफ से भी चिराग पासवान को काउंटर किया गया है। ऐसे में कई बार सवाल उठे हैं कि शायद चिराग पासवान गठबंधन से अलग होकर मैदान में उतर सकते हैं। बिहार के रहने वाले अभिनेता अक्षत की मुंबई में संदेहास्पद हालत में गई जान। सुशांत सिंह राजपूत की जान जाने के बाद गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। वहीं इसी बीच बिहार के एक और अभिनेता अक्षत उत्कर्ष की संदेहास्पद परिस्थिति में जान चली गई है। परिजनों का कहना है कि अक्षत की जान ली गई है। उन्होंने पुलिस पर सहयोग नहीं करने की बात भी कही है। मुंबई पुलिस ने परिजनों को अक्षत की जान गंवाने के मामले में दर्ज की गई प्राथमिकता की कॉपी भी नहीं दी है। अब तक मूल रूप से मुजफ्फरपुर के सिकंदरापुर के रहने वाले अक्षत थे। मंगलवार सुबह परिजन अक्षत के शरीर को विमान से लेकर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचाया गया था, जहां से परिजन शरीर को मुजफ्फरपुर ले गए। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को अक्षत के उनके पिता से रात को बात हुई थी, जिसके बाद उसी रात कथित तौर पर अक्षत ने अपनी जान दे दी थी। आपत्तिजनक पोस्ट की निगरानी के लिए सी विजिल ऐप को किया गया अपडेट। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने सी विजिल ऐप को अपडेट कर दिया है, ताकि आदर्श आचार संहिता की पूरी सतर्कता के साथ निगरानी की जा सके। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और साथ ही वीडियोज पर रोक लगाई जा सके, साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश भी आया जा सके। सी विजिल ऐप से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में निगरानी होगी। इसकी मदद से अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे। यह सृजन फ्रेंडली ऐप है, इसका इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। 18 साल से अधिक के मोबाइल यूजर्स इस मोबाइल
में डाउनलोड कर प्रशासन को आपत्तिजनक पोस्ट, पोस्टर, बैनर, संदेश, वीडियो के माध्यम से अवगत करा सकते हैं। आपको बता दें, इस ऐप में मिली शिकायत पर 5 मिनट में सख्ती से पेश आया जाएगा। संबंधित पदाधिकारी को तुरंत ही कदम उठाने का आदेश दिया गया है। कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात। बिहार के अलग अलग हिस्सों में एक सप्ताह से लगातार बारिश होने के बाद कोसी सीमांचल और पूर्वी बिहार में बाढ़ की स्थिति बन गई है। हालात बिगड़ गए हैं। कई जगह पर सड़क के कटने से आवागमन प्रभावित हो चुका है। अररिया जिले के 5 दर्जन पंचायतों के 150 गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। 0 माइल के पास पानी का दबाव बढ़ने के बाद पुल पर मंगलवार से वाहनों के परिचालन शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं फारबिसगंज कुर्सकट्टा मार्ग और जोकीहाट में सड़कों के कटने से आवागमन ठप है। कुर्सकट्टा के कोतहपुर और डहू अबीर में अप्रोच कट गया है। इसके साथ ही पूर्णिया में 82 के 17 पंचायतों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। कटिहार में नदियां खतरे के लाल निशान से ऊपर बह रही है। महानंदा के उफनने के बरसोई, कदवा, प्राणपुर और अहमदाबाद प्रखंड की 5 दर्जन पंचायत के लगभग 5.50 लाख आबादी प्रभावित हो गई है। 350 से अधिक गांव में बाढ़ जैसे हालात है। दूसरी तरफ सुपौल में बलान नदी का जलस्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। बिहार जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा स्थगित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई याचिका। बिहार न्यायिक सेवा के 7 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित कराने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट को याचिका दे दी है। अभ्यर्थियों की तरफ से फाइल की गई इस याचिका में कोविड-19 के हवाला देते हुए परीक्षा को स्थगित कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निश्चित समय के अंदर सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के 221 पदों के लिए भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन गलत और गैर जरूरी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया है कि कोविड-19 के इस माहौल में समय सीमा के अंदर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरा करना मूलभूत अधिकारों का हनन है। यह परीक्षा 7 अक्टूबर 2020 को होने का प्रस्तावित है। संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 19 में दिए गए अधिकारों का हनन भी इसे बताया गया है। 16 जिले के 2000 बूथ पर कमर भर दिख रहा पानी। चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। बूथों की संख्या भी तय है। हालांकि कोविड-19 के कारण इस बार राज्य में बूथों की संख्या में 62.96% की वृद्धि हुई है। 2015 में 65,367 बूथ थे, जो अब बढ़कर 106,526 हो गए हैं। कोविड-19 बाढ़ को देखते हुए चुनाव आयोग ने भले ही 10 जिलों में चुनाव 2 दिन या फिर 2 फेज में करवाने का निर्णय लिया हो, लेकिन इसमें बाढ़ की चपेट में आए 5 जिले शामिल है, जबकि तबाही 16 जिलों में मची हुई है। मौजूदा हालात यह है कि इन जिलों में 2000 से अधिक बूथों पर आज भी कमर तक पानी भरा हुआ है। वहीं 1000 मतदाता इस बार बूथ बने हैं, यानी समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। बाढ़ग्रस्त जिलों में दूसरे और तीसरे फेज का मतदान करवाया जा रहा है। 30 दिन की अवधि में बूथों पर जमा पानी निकल भी गया तो कीचड़ से निपटना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव की तबीयत एक बार फिर हुई खराब। लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष शरद यादव की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। पार्टी नेताओं की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर शाम उनकी हालत काफी खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम उनकी जांच में जुटी हुई है। मंगलवार सुबह तक 75 वर्षीय शरद यादव की हालत नाजुक बनी हुई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री शरद यादव की हालत नाजुक होने से उनके समर्थक काफी निराश नजर आए। शरद यादव के समर्थक दुआ कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। पार्टी ने रविवार को कहा था कि उनके संस्थापक शरद यादव बिहार में विपक्षी गठबंधन को सत्ता में लाने का काम करेंगे। देश में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 61 लाख के पार। देश में कोविड-19 संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 70,589 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जबकि 84,877 मरीज ठीक हो चुके हैं, वापस अपने घर लौट चुके हैं। हालांकि बीते 24 घंटे में 776 मरीजों की जान भी जा चुकी है। इससे पहले 26 दिनों में लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की जान जा रही थी। साझा की गई जानकारी के अनुसार संक्रमित मरीजों की संख्या 61,45,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही 96,318 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं सक्रिय मामले अब घटकर 9,47,000 रह गए हैं और 51,01,000 लोग ठीक होकर घर वापस लौट चुके हैं। 4 से 5 दिन में 250 अर्धसैनिक बल की कंपनी पहुंचेगी बिहार। बिहार में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है। चुनाव के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने अपनी कमर कस ली है। पुलिस मुख्यालय के अलावा अर्धसैनिक बल की 300 कंपनियां चुनाव की तैयारियों में लगाई जाएंगी। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान इस बात की जानकारी दी और बताया है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का आयोजन करवाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 255 कंपनियां सभी जिलों में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। इसके अलावा 45 कंपनियां बिहार में मौजूद है। पुलिस मुख्यालय ने निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर प्लान कर लिया है। पुलिस मुख्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार कोविड-19 के चलते बूथ में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ने के कारण ज्यादा सुरक्षा बलों की आवश्यकता इस बार के चुनाव में होगी। कोविड-19 के दौरान चुनाव को सफल करवाना पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के तहत चुनाव करवाना, साथ ही साथ पुलिस बलों को अपनी जान की सुरक्षा भी रखनी होगी। दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद आज होंगे एक दूसरे के आमने सामने। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज एक दूसरे के सामने दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर हैदराबाद आमने सामने आने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार दोनों टीम अपनी तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली कैपिटल की टीम जहां अपने दोनों मैच की जीत चुकी है, वहीं हैदराबाद को अभी अंक दर्ज करना बाकी है। दिल्ली की टीम काफी संतुलित नजर आ रही है। भारतीय खिलाड़ियों की अधिकता वाली इस टीम में टूर्नामेंट में अभी तक
प्रभावी पारियां खेली हैं। वहीं सनराइजर हैदराबाद की टीम के सामने कई सवाल हैं। टीम का मिडिल ऑर्डर लचर है और टॉप ऑर्डर पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता उसके लिए अच्छी नहीं है। सनराइजर हैदराबाद के मिडिल ऑर्डर के अनुभव की कमी को लेकर शुरू से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। जोहरा सहगल को याद करते हुए गूगल ने बनाया डूडल। गूगल आज अपने खास डूडल से महान अभिनेत्री और डांसर जोहरा सहगल को याद किया है। इस डूडल में जोहरा सहगल को डांस करते दिखाया गया है। जोहरा देश के उन कुछ कलाकारों में से थी जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर काफी पहचान मिली थी। उनका जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। आपको बता दें, जोहरा ने जर्मनी के ड्रेसडेन शहर के एक नामी स्कूल में बेली डांसिंग सीखी थी। उस वक्त जोहरा की उम्र लगभग 20 साल बताई गई थी। जोहरा ने उनकी कला के लिए 1998 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। वहीं उनकी फिल्म को भी काफी सराहना हुई थी। उनकी फिल्म नीचा 1946 में कांस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को फेस्टिवल को सबसे ऊंचे सम्मान से सम्मानित किया गया था। वहीं साल 1962 में जोहरा लंदन में शिफ्ट हो गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार बिहार में दुर्गा पूजा मेले का आयोजन नहीं करवाने का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।